नमस्कार, मैं हुदांशी के केआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्हें कहा है कि कांग्रेस में कितना भी परिवर्तन आ जाए पर उस पर ट्रेन की तरह हो जाती है, जहां डिब्बे बदले जा रहे हैं जबकि खराबी इंजन में है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी एक साथ दो दो पद संभालते हुए हैं। उन्होंने या तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहना चाहिए या फिर विधायक, दोनों में से एक पद संभालना छोड़ दें, पर उन्हें लालसा और इच्छा दोनों ही पदों पर बने रहने की है। इधर संतों के अपमान को लेकर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से भारत की जनता और संत समाज दोनों ही नाराज है, क्योंकि ये पार्टी ना तो संतों का सम्मान करती है और ना ही जनता का। गृह मंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 15 माह तक कांग्रेस की सरकार रही और इस दौरान एक भी युवकों को सरकारी नौकरी नहीं मिली। आज कांग्रेस अपना जनाधार पूरी तरह से खो चुकी है। ये पार्टी सिर्फ पेपर और ट्वीट तक ही सीमित होकर है। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। गृह मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी को किसानों से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि जो वादा कांग्रेस और राहुल गांधी ने किया थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसानों का कर्ज माफ हुआ। मध्य प्रदेश में जो 15 माह की कांग्रेस सरकार बनी थी वो भी जोड़ तोड़ की थी। जबलपुर से वाचित खान की रिपोर्ट। देखो, कांग्रेस साधु संतों का सदैव से ही अपमान करती रही है। जब भी हमारी संस्कृति की, हमारी सभ्यता की, हमारे संतों की, हमारे राष्ट्र की बात आती है, वहाँ कांग्रेस इस तरह का व्यवहार करती है जो अच्छा नहीं है। संत का सम्मान होना चाहिए। क्या बातचीत हुई है कार्यकारिणी भंग की गई है? खराबी इंजन में डिब्बे बदल रहे हैं। अब कमलनाथ जी दो दो पद लिए बैठे हैं, दो दो पद छोड़े वो, अब इंजन को तो बदल नहीं रहे, डिब्बे बदल देते हैं, कभी महिला कांग्रेस कभी जिला कांग्रेस, इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा मेरे को ऐसा लगता है। हालांकि उनका आंतरिक मामला है। पीसी शर्मा जी कह रहे हैं बूथ विस्तारक योजना का, उस पर सभी ने नेतृत्व को और नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद बधाई दी। हमारा जो लक्ष्य चल रहा है माननीय ठाकरे जी में समर्पण निधि का, उसके बारे में विस्तार से बातचीत हुई। भाई साहब, अगर बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर में लाइन ऑर्डर की स्थिति इन दोनों बिगड़ी हुई नजर आ रही है। आपको कम से कम मीडिया वाले हो, धन्यवाद तो दो, कितनी बड़ी डकैती रॉबरी ड्रेस की है, मैं माल के वो भी पूछो, मैं उसकी मना नहीं कर रहा, पर एक काम जिसमें मोबाइल की भी कोई वो नहीं थी, डिटेल कॉल डिटेल, और उसके बाद ट्रेस करके ले आना, पकड़ के ले आना, माल बरामद करना, थोड़ा सा इसका भी तो बोलो यार, ऐसा क्या हमारी पुलिस को? बिल्कुल, इसमें क्या समाज ये कि ये आंकड़ों की बाजी करी है, फैक्ट्री लगाने से बेरोजगारी दूर होगी ना कि मेला लगाने से? देखो, आज तक कांग्रेस ने हमारी किसी भी चीज़ की तारीफ तो की नहीं है और हम उनसे कोई तारीफ चाहते भी नहीं है। हम आंकड़े की बाजीगरी कर रहे हैं तो वो बताएं कि उनने 15 महीने में क्या किया था। एक भी सरकारी नौकरी एक भी 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार में नहीं निकली, एक भी प्राइवेट नहीं निकली। हम कुछ करें तो आलोचना करते हैं, खुद ने कुछ किया नहीं। अब इस ऐसी राजनीति को क्या कहेंगे जो सिर्फ टीवी और ट्विटर और पेपर की दम पर कर रहे हो? जनाधार तो लगभग लगभग सभी खो चुके हैं। घर घर चलो अभियान चलाया पिछले महीने, सभी घर बैठ गए। जिला अध्यक्ष को अलग कर, जानते हैं कि 2 लाख रुपए 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे और नहीं किया तो किसान डिफॉल्टर हो गया तो परेशान है, वो जानते हैं। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए किसानों से कि हमने धोखा दिया, आप डिफॉल्टर हो गए। परेशान तो इसीलिए है ना, 4,000 रुपया महीना
इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा की। 15 महीने में 60,000 मिलने थे, 60 पैसे नहीं दिए तो माफ़ी मांगनी चाहिए। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी, जिसने रिटर्न में झूठ बोला। सर कांग्रेस कह रही है कि 2023 में वापस वो सत्ता में आएगी। सत्ता में तो वो तब नहीं आए जब हम 15 साल सरकार में थे, वोट हमें तब ज़्यादा आए थे, सीट उनकी 4-5 ज़्यादा आई थी, पर बहुमत नहीं मिला था उन्हें। BSP सपा निर्दलीय से जोड़ तोड़ के बनाई थी, किसी का दिल था, किसी का लीवर था, किसी की किडनी थी, किसी के हाथ पैर थे। साल भर में ये हुआ कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तीन बच्चे जो है वहाँ पर फंसे हुए हैं, उसको किस तरह से सरकार डील कर रही है? समस्या यूक्रेन के अंदर है, लेकिन लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल आपात बैठक की है कैबिनेट की, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार संपर्क में है। हमारे बच्चों का आना प्रारंभ भी हुआ है, 2 बच्चे आ भी गए हैं, बाकी जितने बच्चे हैं उन सभी के नाम नंबर ट्रेस कर लिए हैं, सतत संपर्क में हैं। जैसे ही फ्लाइट जाएगी तो मध्य प्रदेश के हर फ्लाइट में जो जो बच्चा डिमांड करेगा उन सबको लेके आने, पूरी चिंता की जा रही है, ध्यान दिया जा रहा है। कांग्रेस और आगमन हुआ है, क्या 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 कार्यक्रम यहाँ पर, जेल का निरीक्षण भी किया आपने? अभी तो आज़ादी के भारत के अमृत महोत्सव में इस तरह से वीरों को पूजने का, वीरों को स्मरण करने का जो क्रम था, उसमें चूंकि इस जेल में रहे थे वो, और इस कारण से ये माटी पवित्र है, पूरा जीवन कण कण शरीर का और क्षण क्षण जीवन का उन्होंने भारत माता को अर्पित किया, इसलिए उस माटी को नमन करने आया था, पुष्पांजलि करने आया।